ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं. टॉपिक नंबर 21.15 है, डेट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर. अब अगर हम बात करें बिल्डिंग ब्लॉक का क्या मतलब होता है, तो बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब होता है कि बिल्कुल जो है वो फंडामेंटल पार्ट ऑफ समथिंग. ठीक है, पार्ट ऑफ मटेरियल ले लें या फिर कुछ पीस को आप कंसिडर कर सकते हैं. क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, तो यहाँ पे हम डेफिनेशन यूज़ करेंगे फंडामेंटल पार्ट ऑफ द मैटर या फिर मटेरियल. फंडामेंटल का मतलब होता है ऐसा पार्ट जिसको मज़ीद आप ब्रेक नहीं कर सकते. जो बिल्कुल एक बुनियादी चीज़ होती है उसको हम फंडामेंटल का नाम जो है वो दे देते हैं. सो अगर हम अब यहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स या फंडामेंटल पार्ट मटीरियल के क्या क्या है, तो उनको हमें इन डिटेल जो है वो डिस्कस करना है. सो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम देख लेते हैं कि मैटर को, हमने मैटर की डेफिनेशन को कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया था कि बहुत से एटम्स जो हैं वो हमारे पास कंबाइंड हो के एक मैटर बनाते हैं. इसका मतलब है सबसे पहले हमें मैटर को अगर देखना है तो अंडरस्टूड है सबसे पहली चीज़ क्या होगी, कंपाउंड्स बने होते हैं. ठीक है, कंपाउंड्स बनते हैं बहुत से मॉलिक्यूल्स के मिलने से, और मॉलिक्यूल्स अंडरस्टूड हैं मिलते हैं एटम्स के जो है वो मिलने से मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं. अब इस एटम के अंदर अगर देखा जाए तो क्या एटम एक सब एटॉमिक पार्टिकल है या फंडामेंटल पार्टिकल है? नो, एटम एक फंडामेंटल या बुनियादी पार्टिकल नहीं है. ये भी अंदर से बहुत ज़्यादा डिवीजन इसमें पॉसिबल होती है. तो एक एटम के अंदर अगर देखा जाए तो क्या होते हैं, एक तो होता है न्यूक्लियस और एक होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स. अब स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी इलेक्ट्रॉन के अंदर के स्ट्रक्चर को देखा है, या किसी ने इलेक्ट्रॉन के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है या डिस्कवर किया है? तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ. क्यों? उसकी रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक बिल्डिंग ब्लॉक है या फिर फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी एक बुनियादी पार्टिकल है जिसको मज़ीद अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया कि उसके अंदर क्या है, उसका ब्रेकडाउन नहीं किया गया. सेम इसी तरह से हम इसको जो है ना वो एक कैटेगरी में लिखते हैं जिसका नाम होता है लैप्टॉन्स. सो बेसिकली लैप्टॉन्स की कैटेगरी में सबसे पहली चीज़ आती है इलेक्ट्रॉन्स. इसके अलावा भी हमारे एटम्स में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि फंडामेंटल होती हैं और लैप्टॉन्स की कैटेगरी में आती हैं, जिनमें मियोन्स भी शामिल होते हैं. ठीक है, अब स्टूडेंट्स, ये जो पार्टिकल्स हैं ना, क्योंकि ये न्यूक्लियस से बाहर लाए कर रहे हैं, इसका मतलब है इन पे नो न्यूक्लियर फोर्स एक्ट, किसी किस्म की न्यूक्लियर फोर्सेस इनके ऊपर एक्ट नहीं कर रही होती. एक तो ये आ गया. उसके अलावा स्टूडेंट्स, एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो आपने सुना हुआ है फोटोन्स के बारे में. वैसे तो स्टूडेंट्स, फोटोन्स जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो कि सन से हम तक आ रही होती हैं. ठीक है, ये सन से हम तक जो रेडिएशंस आती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, और उन्हीं के हम एनर्जी पैकेट्स को फोटॉन्स भी कहते हैं. लेकिन फोटॉन के बारे में आपने ये भी स्टडी किया था कि एक हाइपोथेसिस के थ्रू हमने कहा था कि फोटॉन्स ना सिर्फ वेव नेचर हैं बल्कि एज अ पार्टिकल नेचर भी रखती हैं. तो अगर ये पार्टिकल नेचर रख रही है, इसका मतलब है ये भी मैटर की ही एक जो है वो टाइप है या मैटर का ही एक पार्ट है. तो फोटॉन्स जो होते हैं ना हमारे पास स्टूडेंट्स, ये भी एक जो है वो पार्टिकल नेचर एग्जिबिट कर रहे होते हैं. ठीक है, और ये भी किसी किस्म की इनमें न्यूक्लियर फोर्सेस नहीं होती, क्योंकि इनका न्यूक्लियस से किसी किस्म का कोई ताल्लुक जो है वो नहीं होता है. ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और जो है वो कैटेगरी आती है, वो है हैड्रॉन्स. ठीक है, हम देखते हैं हैड्रॉन्स किसको कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को तो हमने लैप्टॉन की कैटेगरी में डाल दिया. अब आते हैं न्यूक्लियस की तरफ. नाउ द क्वेश्चन इज़ डैट, क्या हमारा न्यूक्लियस एक फंडामेंटल पार्टिकल है या फिर ये भी मज़ीद अंदर से डिवाइडेड है? तो अंडरस्टूड है, दिस इज़ नॉट अवर बिल्डिंग ब्लॉक. ये बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है, ये अंदर से मज़ीद खुल जाता है. तो जब न्यूक्लियस को खोलते हैं ना, तो मिलते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को हम जो है वो हैड्रॉन्स का नाम दे देते हैं. ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन का नाम हैड्रॉन्स होता है. अब कुछ ऐसे भी एटम में पार्टिकल मौजूद होते हैं जिनका जो एटॉमिक मास है वो प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से. और कुछ ऐसे भी पार्टिकल होते हैं विद इन द न्यूक्लियस जिनका एटॉमिक मास जो है वो कम होता है. ठीक है, सो ऐसे पार्टिकल जिनका मास प्रोटॉन से ज़्यादा होता है उनको स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं बेरियन्स का. ठीक है, सो पार्टिकल्स जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा हो प्रोटॉन से उनको कहते हैं बेरियन्स.
ठीक है, और वो पार्टिकल जिनका एटॉमिक मास कम हो प्रोटॉन से वो कहलाते हैं मेसॉन्स। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, वो मेसॉन्स जो हैं वो कहलाते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि प्रोटॉन को तो देख लिया और न्यूट्रॉन को, क्या ये फंडामेंटल पार्टिकल हो सकते हैं? स्टिल नहीं, अभी भी ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। अभी तक हमने सिर्फ दो फंडामेंटल पार्टिकल देखे, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा हमारे फोटॉन्स। अब देखते हैं कि इनके अंदर और क्या मौजूद होते हैं। सो स्टूडेंट, जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के स्ट्रक्चर को खोलते हैं ना, तो पता चलता है कि हमारे जो प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं ये मज़ीद बने हुए हैं किससे, एक नए पार्टिकल से जिसको क्वार्क्स कहते हैं। और क्वार्क बेसिकली हमारा जो है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है, क्योंकि इसका भी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं मौजूद या किसी ने अभी तक डिस्कवर नहीं किया। तो क्वार्क्स बेसिकली स्टूडेंट सिक्स टाइप के होते हैं, अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, स्ट्रेंज क्वार्क्स, ठीक है, उसके अलावा चार्म क्वार्क्स होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास इसके दो और नाम है, डेट इज़ द टॉप एंड बॉटम, तो हमने कर लिया, ठीक है, अप एंड डाउन कर लिए। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो इसका एक और है, टॉप एंड बॉटम, ठीक है। तो ये छह तरह के क्वार्क्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एक प्रोटॉन की, ठीक है, सिर्फ एक प्रोटॉन की बात करते हैं, तो जो एक प्रोटॉन होता है ना, ये दो अप क्वार्क से और एक डाउन क्वार्क से बना होता है, जबकि जो एक न्यूट्रॉन है वो एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क से मिलके जो है वो फॉर्म होते हैं। सो बेसिकली क्वार्क्स हमारे पास हमारे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं मैटर के। सो ये था हमारा टॉपिक नंबर 21.15, डेट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर।